नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा दर्शन में। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक गणेश और चंद्रदेव का आपस में बैर माना जाता है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। आखिर क्यों गणेश भगवान ने चंद्रमा से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया, जिसे वो आज तक भुगत रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और शुरू करते हैं आज की कहानी। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। वो किसी का भी निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और पेट भरने के साथ मन भर मिठाई खाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपने यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुंचे। लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा को समझ गए थे। वे सिर्फ अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें अपने महल में बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने के कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। माता पार्वती ने उन्हें यह बोलकर मना कर दिया कि अगर कैलाशपति नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएगी। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाएं, वैसे भी उन्हें मिठाइयां और भोज बहुत पसंद है। भगवान शंकर के पुत्र गणेश जी अपने पिता की तरह हैं। जब वो अपने भक्तों पर खुश होते हैं तो उनके जीवन में नया रंग ला देते हैं। अगर कोई उनके गुस्से का शिकार हो जाता है तो उनके जीवन को बेरंग भी कर देते हैं। जब गणेश भगवान कुबेर के महल से भोजन करके लौटे तो उन्होंने कुछ मिठाइयां अपने ज्येष्ठ भाई कार्तिकेय के लिए ले ली और अपने मूसक पर सवार होकर निकल पड़े। रात का अंधेरा था लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूसक ने मार्ग में एक सर्प देखा और वह भय से उछल पड़े, जिसके कारण वह संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े और उनकी सारी मिठाइयां धरती पर बिखर गई। दूर आसमान में चंद्रमा उन्हें देख रहा था। जैसे ही गणेश जी आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को इकट्ठा करने लगे तो उन्हें हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने नजर दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देख गणेश जी बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार मेरी विवशता का मजाक उड़ा रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि आज से तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख सकेगा। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया वैसे ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। अपनी भूल के एहसास होते ही चंद्रमा गणेश जी से माफी मांगने लगे। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को यूं लाचार देख गणेश जी का गुस्सा कम हुआ। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ किया और कहा, अब मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूं। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा, ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन एक माह में केवल एक बार ही होगा। इसके बाद तुम फिर समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। कहा जाता है कि गणेश जी का ये श्राप आज भी कायम है, बस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नजर नहीं आते। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।